हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर इलेवन लैंड एंड पीपल ऑफ साउथर्न इंडिया इन दिस चैप्टर फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज अ पैनेसोला एंड व्हाट इज़ अ प्लेट्यू व्हाट इज़ पैनन्सोला एंड एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर ऐसा एरिया जो लगभग पानी से घिरा हुआ हो

जो इंडिया है हमारा उसका जो साउथर्न पार्ट है जो दक्षिण भाग है एक नीचे की ओर स्थित त्रिभुज के रूप में है ट्रायंगुलर मीन्स त्रिभुज के रूप में है यह जो ट्रायंगुलर रीजन है ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है पानी से घिरा हुआ है इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण की ओर हिंद महासागर है सच अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पैनेसोला देअोर साउथन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड साउथन पैनेंसुला क्या कह रहे हैं कि साउथन इंडिया को साउथन पेनेंसोला भी कहा जाता है साउथर्न इंडिया और द साउथर्न पैनसुलर रीजन हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स दक्षिण इंडिया या दक्षिण जो प्रायद्वीप है ये क्या कह रहे हैं क्षेत्र में लगभग सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर की लंबी समुद्र तट है इट also has a number of mountains and a flat region in the middle called plateau. इसके बीच में कहीं पर्वत और एक ऐसा region है flat region है इसके बीच में मध्य में एक ऐसा region है flat region जिसे हम क्या कहते हैं plateau कहते हैं Let us study the features of southern India in detail. थ्री मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं साउथर्न इंडिया के कौन कौन से हैं मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स फोर हैं हमारे फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड डेकन प्लेट्यू कोस्टल रीजन और आईलैंड फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स द नॉर्थन रीजन ऑफ द साउथर्न पेनसुला इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड ये कह रहे हैं जो साउथर्न पैनन्सुला है उसके नॉर्थन रीजन को हम क्या कहते हैं सेंट्रल हाइलैंड्स दीज हाइलैंड्स आर सराउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्या रेंज इन द साउथ ऑफ द रीजन्स ये जो हाइलैंड है उत्तर पश्चिम के अरावली रेंज और दक्षिण के विंध्या क्षेत्र से घिरा हुआ है इस हाईलैंड में कौन कौन से इंक्लूड हैं हाईलैंड इंक्लूड हैं दीज हाईलैंड इंक्लूड द अरावली हिल्स मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू सेकेंड वन इज डेकन प्लेट्यू द डेकन प्लेट्यू इज़ अ लार्ज रेज फ्लैट रीजन दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द साउथन इंडिया कह रहे हैं कि जो डेकन प्लेट्यू क्या है ये एक फ्लैट फ़्लैट रीजन है जो किसको कवर कर रहा है मोस्ट ऑफ साउथन इंडिया को इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थन प्लेन्स बाय द माउंटेन रेंज ऑफ विंध्या एंड सतपुरा यह विंध्या और सतपुरा की जो आ, की जो माउंटेन रेंज है उनसे इन्हें सेपरेटेड अलग किया गया है The Deccan Plateau is known for its rich mineral resources and precious stone. Deccan uh, it has rich reserves of coal, iron and mica. Therefore, people here are mostly engaged in mining activities. क्या कह रहे हैं कि जो Deccan Plateau है वो किस लिए जाना जाता है Mineral resources और जो precious stones हैं इसलिए जाना जाता है और इसमें कोयला जो है आयरन है और जो माइका है यहाँ पर इसका क्या है भंडार है द रीजन एक्सपीरियंसिस लो रेनफॉल एट मोस्ट प्लेसेस ड्यू टू विच इट हैज़ अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कह रहे हैं कि इस जो रीजन में क्या है क्या अनुभव किया गया एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होते है किसी चीज़ का अनुभव करना क्या अनुभव किया गया है कि इन प्लेसेस पर क्या है बहुत ही कम जो है रेनफॉल होती है इसका रीज़न क्या है ड्यू टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की वजह से सम पार्ट्स विच रिसीव्स गुड अमाउंट ऑफ रेन प्रोड्यूस राइस कॉटन कॉफ़ी टी एंड ऑयल सीड्स और कह रहे हैं जिस एरिया में सम पार्ट्स विच रिसीव जहाँ पर अच्छी मात्रा में जो बारिश हो रही है वहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है राइस कॉटन कॉफ़ी टी एंड ऑयल सीड्स थर्ड वन इज़ कोस्टल रीजन द कोस्टल रीजन स्पैंस अलोंग थ्री मेज़र वाटर बॉडीज द अरेबियन सी इन द वेस्ट द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट कोस्टल रीजन जो है थ्री मेज़र वाटर बॉडीज के साथ जो है पश्चिम में अरब सागर दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक ये क्या है फैला हुआ है इट हैज़ रिच रिसोर्सिज ऑफ ओशियंस वेल्थ दैट इंक्लूड फिश एंड अदर सी फूड मिनरल्स लाइक क्रूड ऑयल इसमें क्या है समुद्र के समृद्ध संसाधन जो समुद्र के जो रिच रिसोर्स हैं उनमें क्या है और अन्य समुद्री भोजन कच्चे तेल जैसे जो रिसोर्सेस हैं मिनरल्स हैं वो क्या है शामिल है इसमें द ओशियन अराउंड आर कंट्री ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड थ्रू सी विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स फॉर ट्रेडिंग कह रहे हमारे देश के आसपास के जो महासागर है वो भी समुद्र के माध्यम से व्यापार करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं जो व्यापार का सबसे पुराने साधनों में से एक है जो कि क्या है व्यापार करने के सबसे पुराने साधनों में से एक है देयरफॉर फोर फिश फार्मिंग एंड ट्रेडिंग आर की एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन सो उस क्या कह रहे हैं ये कि जो फिश फार्मिंग है और जो व्यापार करना है वो यहाँ के लोगों के लिए क्या है इम्पोर्टेंट मीन की एक्टिविटीज़ हैं

कोस्टल रीजन के जो लोग हैं वो क्या करते हैं स्पीक अ नंबर ऑफ लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं स्पीक करते हैं बोलते हैं जैसे कि कन्नड़ तमिल तेलुगु और कह रहे हैं एज द क्लाइमेट इज हॉट एंड हमेड क्लाइमेट हॉट गर्म होने की वजह से वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है गर्म होने की वजह से वहाँ के जो मैन हैं जो आदमी हैं वो कैसे के कपड़े पहनते हैं धोती और कुर्ता वाइल व्यव वुमेन वीयर कॉटन क्लोथ और वहाँ की जो औरतें हैं वो क्या कपड़े पहनती हैं कॉटन की साड़ीज वियर करती हैं नेक्स्ट पॉइंट इज आइलैंड साउथर्न इंडिया हैज मेनली टू सेट्स ऑफ आईलैंड कह रहे हैं साउथर्न इंडिया के मेनली कितने आइलैंड्स हैं टू हैं लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंदामान एंड निकोबार आइलैंड दीज आर स्कैटर्ड इन द सराउंडिंग वाटर बॉडीज ये आस पास की वाटर बॉडीज जो हैं उनमें बिखरे हुए हैं दीज आइलैंड हैव ब्यूटिफुल लैंडस्केप दैट अट्रैक्ट मिलियन ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर फ्राम द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड कह रहे हैं कि इस आईलैंड में क्या है बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है जो क्या करता है मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो मिलियंस में जो टूरिस्ट हैं वो हर साल आते हैं इसकी ब्यूटी के लिए और इसकी जो ब्यूटी है वो उनको क्या करती है अट्रैक्ट करती है और कहाँ से टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड द लक्षद्वीप आइलैंड आर अ सेट ऑफ थर्टी सिक्स आईलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी अबाउट टू ट्वेंटी टू फोर फोर्टी किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल सिटी ऑफ कोचिन इन केरला इन द एमरे अरेबियन सी आउट ऑफ दीज ओनली टेन आईलैंड आर इनहेबिटेड फिशिंग एंड कोकोनट कल्टीवेशन कोकोनट कल्टिवेशन आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हेयर इट इज अन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद कैपिटल जो लक्षद्वीप है जो हमारा आईलैंड है अरब सागर में स्थित थर्टी सिक्स द्वीपों का एक समूह है जो केरल के तटीय शहर कोचिन लगभग 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और क्या कह रहे हैं यहाँ पर मछली पकड़ना और नारियल की खेती यहाँ के लोगों लोगों का मुख्य व्यवसाय है मतलब मेन जो उनका ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय मेन ऑक्युपेशन क्या है मछली पकड़ना और नारियल की खेती द अंडमान एंड निकोबार हैव टोटल ऑफ फाइव सेवेंटी टू आइलैंड सेपरेटिड बाई टेन डिग्री चैनल पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरेट्री विच इज़ वन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई इसमें कह रहे हैं अंडमान एंड and जो निकोबार हैं इनके टोटल कितने आईलैंड हैं फाइव सेवेंटी टू जिनको टेन डिग्री चैनल ने क्या करा सेपरेट किया और जो पोर्ट ब्लेयर है वो इस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है जो कि चेन्नई से 1190 किलोमीटर दूर है अंडमान ग्रुप हैज़ अबाउट 550 आइलैंड्स। अंडमान ग्रुप में कितने आइलैंड्स हैं 550। फिफ्टी वाइल निकोबार ग्रुप हैज़ सम 22 मेन आइलैंड्स। जबकि निकोबार में कितने हैं 22 मेन आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबर आइलैंड हैव थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इनहेबिटेड बाई अ नंबर ऑफ ट्राइब्स एग्रीकल्चर एंड टूरिज़म आर द टू मेन इकनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ दीज आइलैंड क्या कर एग्रीकल्चर और जो टूरिज़म है वो इस आईलैंड की टू मेन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि वहाँ के लोग करते हैं सो so, ये था आज का आपका चैप्टर चैप्टर नंबर इलेवन लैंड एंड पीपल ऑफ साउथन इंडिया